11th क्लास बेटा 6th चैप्टर का पार्ट द मैनोरियल एस्टेट मैनर की जागीर हम कर रहे हैं। इसमें बेटा लॉर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। लॉर्ड का अपना एक मैनर भवन होता था, वो बहुत सारे विलेजेस पर कंट्रोल रखता था। कुछ लॉर्ड इनमें से अनेक विलेजेस के भी ऑनर होते थे, किसी के पास थोड़ा सा कम, किसी के पास थोड़े ज़्यादा विलेजेस। इसमें छोटे मैनर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें नियर अबाउट डजन्स, और बड़ी जो प्रॉपर्टी है बड़ी मैनोरियल एस्टेट में नियर अबाउट 50 या 60 जो हैं विलेजेस हो सकते थे। इसके अलावा इनमें फैमिलीज़ भी इसी तरह से, और डेली रूटीन में जो भी चीज़ें नीड की होती हैं वो इस मैनोरियल एस्टेट पर उनको मिलती थी। उनमें उनके बहुत सारे कल्टिवेटेड एरिया भी होता था। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग वाले लोग, फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लोहार, मैसनरी, बढ़ई, अपने औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करवाने के लिए इस तरह के लोग उनके पास होते थे। वुमेंस भी उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के वर्क करती थी, वीविंग, स्पिनिंग, कातना, बुनना। उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी लॉर्ड के लिए, फॉर एग्जांपल जो है उनके लिए वाइन बनाना, शराब बनाना, इस तरह के काम करते रहते थे। जागीरों में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया भी होता था जहाँ पर ये हंटिंग करते थे लॉर्ड्स। इसके अलावा पास्चर लैंड भी होती थी जहाँ पर इनके पशु और घोड़े चर सकते थे। यहाँ पर एक चर्च भी होता था और उनके प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पर सिटाडल भी होता था, दुर्ग भी होता था। इसमें दिखाया गया है कि 13th सेंचुरी से इन सिटाडल्स को, इन दुर्गों को काफ़ी बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे कि यहाँ पर नाइट की फैमिली भी रह सकती थी। नाइट के बारे में हम आगे बताएंगे। एक्चुअल में इसने बताया है कि इंग्लैंड में सिटाडल्स के बारे में स्टार्टिंग में कोई भी जो है लोगों को नहीं पता था, लेकिन इसका डेवलपमेंट जब फ्यूडल सिस्टम इंक्रीज़ हुआ तो उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी शोधने शुरू हो गए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये मैनर्स कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए आउटर सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल सॉल्ट लाना है या फिर कोई और अनदर टाइप के मेटल लेके आनी है। लॉर्ड लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे और उसके लिए जो भी मटेरियल उनको लेना पड़ता था या ज्वेलरी, वो कई बार लोकल एरियाज पे अवेलेबल नहीं होती थी, तो इनको दूसरे एरिया से वो चीज़ें लेके आनी पड़ती थी। हाँ जी बेटा, इसके बाद इसी में जैसे हमने बताया था कि नाइट, अब ये नाइट कौन थे। 9th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे बेटा लोकलाइज्ड वार्स जो है होते रहते थे। इसमें बहुत सारे अमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। ये पीजेंट सोल्जर्स इस काम के लिए सफिशिएंट नहीं होते थे, एक एफिशिएंट कैवलरी की इनको नीड होती थी, तो इसी वजह से एक न्यू क्लास अमर्ज हुई जिसको कहा गया नाइट्स। दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स जस्ट एज द लेटर पीपल लिंक टू द किंग। जैसे लॉर्ड राजा से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही ये नाइट लॉर्ड से जुड़े हुए होते थे। द लॉर्ड गिव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीव। अब लॉर्ड आगे नाइटों को जमीन के बड़े बड़े टुकड़े देता था जिसको फीव कहा जाता था। इसमें नियर अबाउट 1,000 to 2,000 एकड़ का एरिया हो सकता था। इसी में नाइट का अपना घर होता था, फैमिली रहती थी, यहाँ तक कि उसका अपना चर्च भी होता था, और उस पर जो अनदर डिपेंडेंट पर्सन्स हैं जो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करते थे वो लोग भी रहते थे। इसके पास भी अपनी वाटर मिल या वाइन प्रेस जैसी चीज़ें होती थी जैसे फ्यूडल मैनर सिस्टम में हमने बताया है। द लैंड ऑफ द फीफ वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स। फीफ पर किसान खेती करते थे, और इसी तरह से बदले में नाइट उनको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता था। द नाइट पेड इज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। अब नाइट अपने लॉर्ड को प्रॉमिस करता था कि जरूरत पड़ने पर वो युद्ध में उसका पार्टिसिपेट करेगा, उसकी सहायता करेगा।
और अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए नाइट स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसाइज टैक्टिक्स विथ डम्मीज, डम्मी बना बना करके उनके साथ प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि युद्ध हो तो वो उनके साथ इजिली लड़ सकें। ए नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वॉज टू हिज ओन लॉर्ड। नाइट दूसरे लॉर्ड की भी सेवा दे सकता था, भी एक लॉर्ड का जिसने उसने जमीन दी है उसके अलावा जरूरत पड़ने पर मिलिट्री हेल्प दूसरे को भी दे सकता था वो, लेकिन प्रायोरिटी उसकी अपने लॉर्ड की होती थी। तो इस तरह से बेटा 12th सेंचुरी में फ्रांस में जो बहुत सारे मिनिस्ट्रल ट्रैवल हैं उनसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो लोग घूम घूम कर इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, राजाओं की नाइट्स की वीरता की कहानी। कई बार बेटा इनमें हमें इमेजिनेशन भी दिखती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे और ये घूमने वाले लोग होते थे, बार्ड्स भी इनको कहते हैं। दिस ट्रैवलिंग बार्ड्स वर वेरी पॉपुलर क्योंकि ये बहुत सारी मैनुस्क्रिप्ट्स लिखते थे, पांडुलिपियाँ ये जो हैं उस टाइम में जैसे भी होती हैं तो उनके बारे में बताते थे। इसके अलावा बहुत सारे मैनर्स जो हैं हैड ए नैरो बालकनी अबो द लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ द मैनर गैदर्ड फॉर मील्स। बहुत सारे मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक भीड़ी सी गलियारा होता था जहाँ पर मैनर के लोग इकट्ठा होकर के खाना खाते थे और जो है एंटरटेनमेंट के लिए भी कई जगह इनके पास स्पेसेस बने हुए होते थे। तो ये बेटा हमारा नाइट के बारे में।